अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। आज जो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ वो है स्किन पॉलिशिंग की, जो आप पार्लर पे जाके बहुत ज़्यादा पैसे देके अपनी स्किन को पॉलिश करवाते हैं और शाइन आती है स्किन में बहुत ही अच्छी, वो आप घर पे कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। ये प्रोडक्ट मैं आपको बताऊँगी इसको कैसे अपने स्किन पॉलिशिंग बनाना पॉलिशर बनाना है और अपनी स्किन को घर पे ही पॉलिश कर देंगे आप और इतनी अच्छी शाइन आती है, इतनी अच्छी स्किन हो जाती है। डिफरेंट ओकेजन्स, एंगेजमेंट, शादी वगैरह पे आप इसको बना सकते हैं। सो इसकी तरफ चलते हैं बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे, ये देखें वाइटनिंग पाउडर है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये है सॉफ्ट टच गोल्डन गर्ल का वाइटनिंग पाउडर। तो हम इसको जिस क्वांटिटी में डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। टीस्पून आप लेंगे, 1 टीस्पून आपने ये वाइटनिंग पाउडर डालना है। वाइटनिंग पाउडर से ये है कि आपकी स्किन पे जितनी भी टेंटेड स्किन होती है या सन की वजह से थोड़ी ख़राब हो जाती है स्किन, वो इसको बूस्ट करता है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें सॉफ्ट टच का वाइटनिंग बूस्टर, ठीक है। ये देखिए मैं आपको साथ साथ प्रोडक्ट भी बताती जा रही हूँ। ये है सॉफ्ट टच का वाइटनिंग बूस्टर, ये भी हम इसमें 1 टीस्पून ही डाल देंगे, ठीक है। वाइटनिंग पाउडर भी 1 टीस्पून और वो भी वाइट। इसके अलावा ये पिंक पाउडर होता है, ठीक है, ड्यू कमी ने लिए आपको जो भी मिल जाए पिंक पाउडर, फेयर एंड क्लीन पिंक पाउडर, ठीक है। ये आपको कॉस्मेटिक्स की शॉप से इजीली अवेलेबल होगा। आप जो टीस्पून लेंगे उसकी बैक पे, ये देखें ये टीस्पून ली हमने, इसकी बैक पे इतना सा हमने इसमें वाइटनिंग पाउडर डाल देना है, या आप हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्किन पॉलिशर हम लेंगे, ये डर्मा का स्किन पॉलिशर है, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्किन पॉलिशर भी बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को इफेक्ट करता है। ये हम इसमें डाल देंगे, स्किन पॉलिशर भी 1 टीस्पून डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे, ये देखें जी, सूदिंग लोशन, जो अगर आपकी स्किन पे रैश वगैरह हो जाती है या जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो ये रैश से आपको बचा लेती है आपकी स्किन को, आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देता है। तो ये हम इसमें सूदिंग लोशन भी 1 टीस्पून डालते हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा स्किन शाइनर है, जो आपकी लॉफ्टी का स्किन शाइनर है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपके घर पर अगर अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हम इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे, 1/2 टीस्पून स्किन शाइनर डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ट्रिपल एक्शन क्रीम, ठीक है, डबल एक्शन क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट टच की ट्रिपल एक्शन क्रीम है, क्लींजर है, ठीक है। आप इसको डबल एक्शन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ट्रिपल एक्शन से बहुत ही ज़्यादा ये स्किन पॉलिशिंग का इफेक्ट जो स्किन पे आता है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। ये आपको अवेलेबल होगा कॉस्मेटिक्स की शॉप पे, अवेलेबल है सॉफ्ट टच का ट्रिपल एक्शन क्लींजर, ये हम इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे, ठीक है। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी ये ट्रिपल एक्शन क्रीम क्लींजर, ठीक है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। हमने सारी चीज़ों को इसमें शामिल कर दिया है, अब इसको आपने अच्छे से कर देना है मिक्स। बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। आप लोग जब जाते हो पार्लर पे तो स्किन पॉलिशिंग करवाओ, जब ईद पे हम लोग इसको स्किन पॉलिशिंग करवाते हैं, यकीन माने चेहरा इतना खिला खिला और फ्रेश फ्रेश और चमकदार सा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही आपकी चेहरे की रंगत बिल्कुल वाइट हो जाएगी, नहीं, वाइट नहीं, स्किन जितनी भी आपकी क्लियर हो और चमकदार हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है।
सो डिफरेंट ओकेजन्स पे जब हम घर पे इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप मेकअप जैसे शादियों पे जाने से पहले आप इसको यूज़ कर लें तो मेकअप बहुत ही अच्छा होता है स्किन, क्योंकि स्मूथ हो जाती है, चमकदार हो जाती है। तो मेकअप भी जब हम ऊपर अप्लाई करते हैं फाउंडेशन या बेस, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके स्किन पे बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब जैसे हम इसको मिक्स करेंगे, इसको आप अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके बताती हूँ। या आपने इस तरह से लगा लेना है और 20 टू 25 मिनट्स तक आपने इसको लगे रहने देना है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी जिल्द पे इसको, स्किन पे, फेस पे अप्लाई कर लेंगे। और इसको सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी जिल्द को क्लीन करना है क्लींज़र के साथ, एक फेस वॉश के साथ अच्छे से पहले चेहरे को धो लें, फिर क्लींज़र के साथ जो भी है वो आप अपनी चेहरे फेस को अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद स्क्रबिंग आपने अगर करनी है स्क्रबिंग कर लें, उसके बाद इसको अप्लाई कर लें। ठीक है, तो पहले चेहरे को अपने फेस किसी अच्छे से फेस वॉश के साथ वॉश कर लेना है और फिर आपने ऊपर ये अप्लाई करना है। ठीक है, और फिर अप्लाई करने के बाद 20 टू 25 मिनट्स तक आपने इसको रहने देना है फेस पे या हाथों पे। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो, हाथ भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते हैं इससे, चमकदार प्यारे प्यारे हाथ। ठीक है, ये देखिए ऐसे आपने अपने फेस पे अप्लाई कर देना है और 25 मिनट्स के लिए आपने रख लेना है। उसके बाद 25 मिनट्स जैसे ही पूरे होंगे मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, और बिल्कुल क्लियर रिज़ल्ट आता है। जिस टाइम आप स्किन पॉलिशिंग करते हो उस टाइम तो नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही आप जाते हो आगे तो एक दो दिन जैसे ही गुजरते हैं ना, तो ये और ज़्यादा इसका इफेक्ट सामने आना शुरू हो जाता है, आपकी जिल्द और ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आती है। ठीक है, जो भी देखता है वो मतलब क्लियर नज़र आ रहा होता है कि भैया आपने चेहरे पे क्या लगाया, बड़ी चमकदार आपकी जिल्द हो गई है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है जिल्द और बहुत ही अच्छा लगता है। तकरीबन इसका इफेक्ट एक से दो महीने तक रहता है। तो अभी ईद आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है, और ईद पे आप इसको अप्लाई कीजिएगा और रिज़ल्ट आपके बहुत ही अच्छे आएंगे, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, ठीक है, ये देखिए कितना क्लियर इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमने अप्लाई किया है उधर देखें, और उसका ये नहीं है कि वाइट इंसान हो जाता है, वाइट नहीं होता, क्लियर जल्द हो जाती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।